एक बार और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये शुड यू बाय अ पेट्रोल फॉर्च्यूनर और नॉट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और गाड़ी देख के तो आप समझ गए होंगे, थंबनेल देख के भी समझ गए होंगे कि ये एक डीजल फॉर्च्यूनर का ही रिव्यू है, जिसके साथ हमने ड्रैग रेस भी शूट करी है एक, और साइड में अपनी ब्लैक वाली बीस्ट भी खड़ी है। तो जिसने ड्रैग रेस अभी तक नहीं देखी है या देखी है वो ज़रूर देख लेना, और कैसी लगी वो ज़रूर बता देना। तो बात करते हैं अब इसकी। तो पहले इसके एक्सटीरियर की बात करें तो सेम पेट्रोल की तरह ही, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसका मैं ऑलरेडी रिव्यू डाल चुका हूँ पेट्रोल वाली का। तो डीजल में भी सिमिलर चीज़ें हैं, बाहर से सब कुछ सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है इसमें भी, ठीक है। और बस जो फ़र्क है ना इसके अंदर है, यहाँ पे अंडर द हुड जो भी फ़र्क है सारा वहीं पे ही है, क्योंकि इसमें आता है 2.8 लीटर्स का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 200 हॉर्स पावर और 500 एनएम का टॉर्क। वही इसकी अलग यूएसपी बना देती है पेट्रोल के मुकाबले, क्योंकि डबल इसका टॉर्क है उसके मुकाबले, और वही इसका एक रीज़न है कि गाड़ी मतलब एक तूफ़ान की तरह से भागती है, बिल्कुल तूफ़ान की तरह से। बात करी जाए इसके इंटीरियर्स की तो इंटीरियर्स भी भाई बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही हैं। थोड़ा सा शोर कर रही है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो ये इसकी सेम वही लाइट्स। तो बात करी जाए इसके इंटीरियर की तो भाई सेम ब्लैक एंड इंटीरियर है, बस फ़र्क यहाँ पे है, फ़र्क थोड़ा सा यहाँ पे है। 6 गियरिंग सिस्टम इसके अंदर आता है, अपनी वाली में पेट्रोल में 5 गियर आते हैं, ठीक है। एक बार और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये लो जी, तो वाइब्रेशन और साउंड आपको आई गई होगी, एसी मैंने ऑफ कराया, ये आवाज़ जो सुनोगे डीजल का क्लैटर, इसका डीजल क्लैटर है। और वैसे ही इसकी आपकी जो टेल गेट है वही पावर्ड गेट है यार, मतलब फीचर वाइज तो क्या ही बात करनी इस बारे में, वो सब चीज़ें हैं सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा सा आपको आरपीएम मीटर देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें 6000 आरपीएम तक आता है, और वही सेम 200 की टॉप स्पीड उस पर दिखाता है मीटर पे भी, और वही है मतलब, बस इसमें फ़र्क ये है कि उसमें 7000 आता है, इसमें 6000 तक आता है, और यहाँ पे 6 गियर आते हैं, बाकी तो सब चीज़ें सेम हैं। और स्पेस वाइज भी देखा जाए तो सेम है सब कुछ, बस सीधा सीधा कंपेरिजन उससे वो खड़ी है साइड में ब्लैक अपनी पेट्रोल वाली, उससे यही है जो कि पावर का कंपेरिजन है, सबसे बड़ा जो अंतर है वो पावर का ही है, वो आपने देख लिया होगा ड्रैग रेस जो हमने करी है। उस ड्रैग रेस में भाई मतलब इस गाड़ी ने जो है ना एक अलग ही लेवल की जो पावर होती है ना गाड़ी के अंदर भाई साहब, वो दिखाई है इस गाड़ी ने, ठीक है, बहुत ही अलग लेवल पावर थी। मतलब मैं खुद, मुझे पता था क्योंकि यार जस्ट डबल का टॉर्क है गाड़ी के अंदर, जस्ट डबल के, बंद कर देते हैं तो बात कर लेते हैं, जस्ट डबल का इसके अंदर टॉर्क है। तो टॉर्क अगर इतना ज़्यादा है किसी गाड़ी में तो बाई डिफ़ॉल्ट ही वो गाड़ी इतनी तेज़ चलने वाली है ही, उसमें कुछ मतलब डिस्कस भी नहीं करना, और हमें पहले से ही पता था कि ये गाड़ी उस हिसाब से जाएगी भी। तो यही है बस इसमें बेसिक सी चीज़ें जो हैं, बाकी सब तो अब जैसे कि अब हम मतलब एक ये मेरी तरफ से एक रिव्यू ये है ओवरऑल डीजल और पेट्रोल का कंपैरिजन की अगर हम बात करें कि मतलब शुड यू बाय अ पेट्रोल फॉर्च्यूनर और नॉट, तो ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि डीजल अपनी जगह है, जो कि आपने इसकी ड्रैग रेस जो थी वो आपने देख ही ली होगी, ठीक है, और जिसने नहीं देखी है वो जरूर जाके देखना। तो वो पावर का फर्क परफॉर्मेंस बेस पे अगर बात करी जाए, जब हम भगा रहे हैं गाड़ी को एक ड्रैग रेस टाइप में कर रहे हैं तब आ रहा है, लेकिन एज ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे, जब हमने क्रूजिंग पे रहे, हम जब गाड़ी को हम क्रूज कर रहे थे दोनों ही गाड़ियों को हाईवे पे, नॉर्मली जब हम चलाते हैं इस गाड़ी में वो चीज आपको नहीं फील होगी, वो सिर्फ एक कंपैरिजन अगर आप बात करो कि डीजल के अंदर मोर पावर है, ज्यादा टॉर्क है, ठीक है, तो उसका फर्क आपको जब ड्रैग रेस करोगे तब तो जरूर दिखाई देगा, लेकिन नेचुरली जब आप नॉर्मली ड्राइव करोगे ना डे टू डे लाइफ में, तो ये गाड़ी हो या वो गाड़ी हो, नॉर्मली जो हम एज ए ट्रैफिक रूल्स की अगर बात करें, स्पीड लिमिट की बात करें, तो 120 के अराउंड, इससे ऊपर मेरे हिसाब से इंडिया में हाईवे में मुझे लगता नहीं होगी किसी की हाई स्पीड लिमिट, तो अगर 120 तक भी बात करो आप या 140-150 तक भी बात करो, कोई खींच दे मान लो इसको, तो ना तो ये उसमें ऐसा कहीं से वो करती है कि भाई बिल्कुल नहीं चल रही है, बहुत ही अंडर पावर्ड है या ऐसा कुछ है, वो चीज़ कहीं से कहीं तक नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो
डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ जब आप परफॉर्मेंस निकालना चाहोगे तब ही आपको फील होगा, वरना वो चीज नहीं फील होगी। और वो भी कंपैरिजन में फील होगा, साथ में गाड़ियां चलेंगी तब फील होगा, वरना वो फील नहीं होगा आपको। अब मैं नॉर्मली अपना गाड़ी को फोर्थ गियर में 60 की स्पीड में बहुत आराम से चला रहा हूँ और ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस गाड़ी को मैं चंडीगढ़ चला चुका हूँ, मैं वैष्णो देवी लेके जा चुका हूँ, आपने देख ही लिया होगा मेरा ब्लॉग, वो भी सब कुछ मैं उसके साथ कर चुका हूँ। और मैंने ओवरऑल एक्सपीरियंस, अभी इसका 6000 चल चुकी है गाड़ी लगभग, उसके एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि अच्छी अच्छी जो डीजल गाड़ियां भी है ना और कंपनीज की, जैसे कि महिंद्रा थार हो गई, महिंद्रा स्कॉर्पियो हो गई, ये सब जो गाड़ियां है ना इनके अंदर टॉर्क है, काफी टॉर्क आता है, उसके बावजूद ये गाड़ी उनको अच्छे से पीछे छोड़ती है बहुत अच्छे मार्जिन से, पेट्रोल की होने के बावजूद। पेट्रोल इंजन जो होता है ना वेट में हल्का होता है, दूसरी चीज जब पेट्रोल इंजन डीजल के मुकाबले हल्का होगा तो, और दूसरी इसमें एक और पर्सपेक्टिव आता है कि पेट्रोल जो है बहुत अच्छे से बर्न होता है कंपैरेटिव टू डीजल, तो डीजल इंजन के अंदर टॉर्क ज्यादा देना ही होता है, देना ही पड़ता है, एक मैंडेटरी चीज हो जाती है, क्योंकि पावर देनी है गाड़ी को। पहले जब डीजल स्टार्ट होता था आने तब उनमें टॉर्क बहुत कम होता था, तो उसकी वजह से पावर का बहुत लैग होता था गाड़ियों में। डीजल का लैग अभी भी होता है डीजल गाड़ियों में, एक कहते हैं ना 2000 आरपीएम के ऊपर जाके टॉर्क आता है, वरना गाड़ी ऐसी लगती है कुछ है ही नहीं गाड़ी के अंदर, तो वो चीज इसी वजह से है क्योंकि डीजल जो है ना थोड़ा टाइम लेता है कंबशन में, पेट्रोल बहुत तेजी से कंबशन होता है, तो उसी वजह से पेट्रोल एक तो हल्का हो गया, दूसरी चीज कि पेट्रोल की जो कंबशन जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या रीजन होता है कि आप कम पावर में भी ज्यादा आउटपुट गेन कर सकते हो पेट्रोल कार से, तो इसीलिए आप जनरली देखोगे डीजल कार्स के अंदर ज्यादा टॉर्क ज्यादा पावर देखने को मिलेगी। अब तो बेसिकली जैसे महिंद्रा ने सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव लिया है कि पेट्रोल इंजन बहुत पावरफुल इन्होंने बना दिया, बट उसमें भी टॉर्क अराउंड 450 के अराउंड है, ज्यादा टॉर्क उसमें भी नहीं दिया है, 200 पीएस की पावर उसमें जो इन्होंने दिया पेट्रोल इंजन है वो भी एक्सवीप 700 में उन्होंने दी है, तो इसी वजह से क्योंकि, और वो उसका रिजल्ट ये है कि वो गाड़ी अगर उससे आप ड्रैग करो ना फॉर्च्यूनर डीजल भी उसको मतलब नात नहीं दे सकती, इतनी पिकअप से भागती है वो, क्योंकि एक तो वजन हल्का हो गया गाड़ी का इंजन से कंपेरेटिवली, दूसरी चीज एक्सयूवी और अगर फॉर्च्यूनर कंपेयर करा जाए तो वो एक्सयूवी हल्की है थोड़ी सी, ये दूसरा चीज हो गया। तो ये पेट्रोल की बात होगी, तो बैक टू माई फॉर्च्यूनर कि पेट्रोल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पहला फैक्टर आ गया आपका सिंपल सा, आप दिल्ली एनसीआर में आप रहते हो या नहीं रहते हो। दूसरा फैक्टर आता है सबसे बड़ा कि प्राइस पॉइंट, क्योंकि प्राइस पॉइंट में देखो अगर मैं बात करूं 4x2 मैनुअल डीजल और पेट्रोल का कंपैरिजन प्राइस का, तो लगभग ऐसा ही लगेगा मेरे हिसाब से 4-4.5 लाख का ही फर्क है, ज्यादा फर्क है नहीं, ठीक है, पावर का बहुत फर्क आ जाएगा, बट वो दूसरी डेरोगेटरी चीज ये हो जाती है कि आप किस जगह पे रह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, इन इलाकों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम सब आने लगी है। हमारे जैसे ओनर जो है ना जो महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ सब पेट्रोल पे धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं। अभी आपने न्यूज पढ़ी होगी पेट्रोल फॉर्च्यूनर के प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए, एक शोरूम 32 कुछ था, अब 33.8 कुछ करके हो गया मेरे हिसाब से, तो उसकी उसका सिंपल सा ये वर्डिक्ट है कि भाई पेट्रोल की डिमांड हमारे एरिया में बढ़ रही है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। और ओवरऑल अगर मैं सारी चीजों को ही मिला लूं, क्योंकि हाईवे पे ये गाड़ी कहीं से कहीं तक अंडर पावर्ड नहीं लगती है, आपको ओवरटेक करना है कोई इशू नहीं है, पावर मोड में अगर गाड़ी है कोई इशू नहीं है, क्योंकि डीजल के ओनर्स मेरे कई सारे दोस्त भी हैं, उन लोगों वो भी लोग भी अपनी स्पोर्ट मोड में, जो उसमें स्पोर्ट मोड आता है तो उसमें वो स्पोर्ट मोड में रख के चलाते हैं जब कहीं लंबे ट्रिप पर जा रहे हैं, क्योंकि इको मोड आदमी थोड़ा डे टू डे माइलेज मानो 100-150 किलोमीटर का है इको चला लिया या सिटी ड्राइव में इको चला लेता है, वरना हाईवे पे तो स्पोर्ट मोड या पावर मोड में ही चलेगा, तो दोनों ही गाड़ी में कहीं से कहीं तक भी उस चीज का लैग ही फील नहीं होगा। तो ये कहीं से कहीं तक भी किसी को अगर ये चीज का डाउट है, अगर ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब बहुत अंडर पावर्ड फील होगी या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको इस दिल्ली एनसीआर से बाहर लेनी है अगर फॉर्च्यूनर, और पैसे का इशू नहीं है इसको 4x4 वो तो बेसिक सी बात है डीजल में ही आएगी, तो वो तो जा सकता है कोई इशू नहीं है, जाने को यहाँ वाला भी कोई जा सकता है, किसी को है कि भाई मुझे डीजल ही चाहिए और मेरा रनिंग बहुत ज्यादा है, मेरी रनिंग उतनी नहीं है। दूसरी चीज ये भी आती है सामने कि भाई रनिंग कितनी है, अगर आपकी रनिंग इतनी ज्यादा है कि मतलब, क्योंकि ज्यादा तो फर्क है नहीं पेट्रोल प्राइस डीजल प्राइस में, बट ठीक है एवरेज का हल्का फुल्का अंतर है, 10-12 का ये निकाल रही थी मेरी हाईवे पे, वो भी ऐसी 13 तक निकाल देगी, बस इतना ही है, ज्यादा फर्क है नहीं। तो बेसिकली यही है कि जिसको डीजल का ही मजा चाहिए, जिसको डीजल की ही आदत हो चुकी है वो तो अलग चीज है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब वो ज्यादा बेहतर है या ये ज्यादा उसमें वो है, ये थोड़ा सा एक तो फन टू ड्राइव हो जाती है और थोड़ा सा वाइब्रेशन फ्री गाड़ी है,
उसमें वाइब्रेशन थोड़ी है, उसका क्लच भी हार्ड है, मैं उस बात पे भी जाऊं, अगर उसका क्लच काफी हार्ड था और पावर बेशक थी उसके अंदर, क्लच हार्ड था, तो मैनुअल वाला जो उसका वेरिएंट है वो काफी लोग नहीं लेते हैं, प्रेफर नहीं करते फॉर्च्यूनर में। इसका तो इतना लाइट है, जैसे कि मैं छोटी मेरी गाड़ी सियाज है उसी तरह से बिल्कुल लाइट क्लच है, टाटा सफारी है मेरी उसका भी काफी हार्ड क्लच है, तो बेसिकली डीजल इंजन का क्लच बहुत हार्ड होता है, सॉफ्टर होता है पेट्रोल का, तो इसलिए इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कोई भी ले लो, मतलब कंफर्टेबल गाड़ी है, कोई इशू नहीं है, और ओवरटेक लेना कोई इशू नहीं है, जरा से उसमें उठ जाती है गाड़ी का, ये देखो एकदम से मतलब सही जाती है एकदम से, कोई इशू नहीं है, सही तरीके से नॉर्मल चला रहा हूँ बिल्कुल, और ये देखो परफॉर्मेंस है इसकी, मतलब बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन में मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ प्यार से सिटी में, नॉर्मल जैसे इंसान करता है वैसे ही मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, कोई ऐसा इशू है ही नहीं कि मतलब यार बहुत ही बड़ा फर्क दिख रहा है, ओ माय गॉड कि हमने क्या ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो आप लोग अपना डिसीजन जैसे भी लोगे इस वीडियो के बाद, कि जिसको कोई डाउट हो मतलब कि मुझे पेट्रोल लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, देखो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो, आपको है कि भाई मुझे गाड़ी ज्यादा लंबे टाइम रखनी है और मेरी इतनी रनिंग नहीं है, भाई गो फॉर पेट्रोल, आग बंद करके पेट्रोल पे जाओ, आपको फील नहीं होगा कि आपने हल्की गाड़ी ली है या कमजोर गाड़ी है, कहीं से कहीं तक नहीं है, वो सिर्फ कंपैरिजन आपने किया तो आपको फील हो सकता है कि भाई सामने फॉर्च्यूनर ही आ रही, वरना और कोई गाड़ी आप इसके साथ भिड़वा लो, चाहे किसी भी वे में भिड़वा लेना, ये गाड़ी कहीं से कहीं तक लैग नहीं खाएगी, कहीं से कहीं तक मात नहीं खा सकती उस किसी भी गाड़ी से, मैं देख चुका हूँ ओवरऑल हाईवेज पे कई बार हो जाता है कि भाई पिकअप ले रहा है कोई गाड़ी, कोई कितना पिकअप ले पा रही है, कई बार हो जाता है ट्रैफिक में तेज निकलना होता है, तो इसका जो पिकअप निकल के आता है वो काफी तेज निकल के आता है, ऐसा कुछ वो नहीं होता बिल्कुल भी, फील थार हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, मतलब जो बेसिक जो सबको पता है फेमस गाड़ियां जो ओवरऑल, छोटी गाड़ियों को मैं साइड रख रहा हूँ क्योंकि छोटी सीडान गाड़ी होगी, हैचबैक होगी, उनका पिकअप अलग है, वो बात नहीं करते उस बारे में, तो बेसिकली यही यहाँ पे यही बात है बार बार घूम फिर के, वही है कि आपको जैसा आपकी जरूरत है उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। और डीजल तो देखो डीजल है एनी डे, डीजल अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी वही होता तो मैं पर्सनली बात करूँ तो मैं भी डीजल ही लेता, क्योंकि मैंने सारी गाड़ियां डीजल ही चलाई हैं। अब सिर्फ ये रूल जो आ गया है ना हमारे दिल्ली एनसीआर का, जो बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं, और दिल्ली में तो जा ही नहीं सकते आप एक्सपायर गाड़ी को लेके, तो उस वजह से थोड़ा सा हो गया है कि नहीं भाई अब नहीं कर सकते उसका कुछ भी, अब आप तो वो एक चीज आती है, बाकी तो कोई इशू नहीं है, दोनों ही गाड़ी अपनी जगह बहुत ही फैंटेस्टिकली काम करती हैं बहुत। अब सिंपल सा यही आता है डीजल में, ये है कि भाई अब मेरे पास एक्सयूवी थी ऑलमोस्ट 5 साल उसको होने वाले थे, 2-3 महीने रह गए थे उसके, डीजल में सिर्फ यही आपको फील होगा दिल्ली एनसीआर में रहने का नुकसान यही होगा कि भाई 5 साल होने वाले होते हैं, ऐसा लगता है आधी उम्र चली गई और गाड़ी आधी खत्म, वैल्यू ही खत्म आधी, यहाँ पे सब लोग यही बोलते हैं भाई 5 साल रहेगा इसके तो 5 साल रहेगा, कितना चलेगी, वैल्यू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यही इस गाड़ी की मैं बात करूं, इसको मैं 5 साल चला भी लूंगा ना बिल्कुल बढ़िया तरह रज के मैं इसको चला लूंगा, उसके बावजूद 10 साल इसके मुझे दिखाई देंगे सामने खड़े हुए, तो इसकी रीसेल में और डीजल की रीसेल में बहुत बड़ा फर्क जो है देखने को मिलेगा मुझे आने वाले 5 साल में, अगर इसी की जगह मैं डीजल लेता यही गाड़ी मुझे, हालांकि इसकी रीसेल बहुत अच्छी है नो डाउट, बट फिर डीजल का एक नुकसान यही है कि आधी जिंदगी दिखाई देती है आगे सामने चलती हुई कि भाई अब खत्म होगी, आधी रह गई है, आधी वैल्यू रह गई बस, ठीक है। यही मेरे साथ एक्सयूवी 500 को बेचते हुए टाइम यही मेरे साथ फेस मैंने किया, 21 लाख रुपए की गाड़ी मेरी थी, वो 10 लाख 11 लाख रुपए आधी बिल्कुल ये समझ लो 50% खत्म, और वहीं अगर ये रूल ना हो तो, और यही गाड़ी यहाँ पे यहाँ से बाहर आप कहीं खरीदने चलो उसी गाड़ी को 2018-19 मॉडल, भाई साहब 21 लाख की नई गाड़ी थी, 21-22 के अराउंड ये नई गाड़ी पड़ रही थी टॉप मॉडल ऑटोमेटिक के साथ, वही इसकी रीसेल जो है ना यहाँ से बाहर अगर आप खरीदने जाओ आराम से आपको 13-14 लाख रुपए की मिल रही है, तो ये इतना बड़ा फर्क यहाँ पे इसलिए है बस थोड़ा सा, तो वो चीज है जो मेरा पर्सपेक्टिव उस हिसाब से मेरे को लंबी रखनी है, मेरी रनिंग उतनी नहीं है, मेरी रनिंग मुश्किल से दिन की होती होगी भाई 50 किलोमीटर चल गई वरना ट्रिप पे चले गए वो अलग चीज है, और चले भी गए तो मतलब पेट्रोल का एक अपना मजा है, माउंटेन्स पर मैं भी गया हूं और आगे भी जाऊंगा ट्रिप्स पे, तो उस पर भी आप देखते रहोगे साथ साथ मेरे कि क्या क्या इसका रेस्पॉन्स है, ऐसा कोई खास वो नहीं है कि मुझे कमजोर फील हुई, पहाड़ों पर भी जब चढ़ाई आती है अपहिल आती है, इंक्लाइन में तो कोई बात ही नहीं होती गाड़ी के साथ, लेकिन अपहिल जब गाड़ी चलती है तब उसको पावर की जरूरत होती है, तो उसमें भी ये कहीं से कहीं तक अंडर पावर्ड नहीं थी, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस, बहुत ही प्यार से करेक्ट टाइम पे करेक्ट गियर शिफ्ट करो और बहुत ही प्यार से पावर निकाल सकते हो आप, पेट्रोल में थोड़ा सा रेविंग इंजन होता है, आरपीएम थोड़े ऊपर रहेंगे डीजल के मुकाबले, बस इतना ही फर्क है पेट्रोल में और डीजल में। वो जिनको पेट्रोल लेनी है पर्सनली मेरे पास डीएम है इंस्टाग्राम पे भी कि सर मुझे मतलब भैया मुझे लेनी है तो क्या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, भाई मेरे हिसाब से लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो और आपको गाड़ी लंबे टाइम रखनी है, रनिंग इतनी नहीं है, रनिंग कॉस्ट भी ज्यादा
फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पॉकेट को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, डीजल और पेट्रोल ले लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इतना, ठीक है। रेस हमने लगानी नहीं होती है, रेस मैंने आप लोगों के लिए लगाई, ड्रैग रेस एक करी थी, वो सिर्फ आपके लिए था, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, आपको एक नॉलेज हो जाए, पता चल जाए कि थोड़ा फर्क क्या है पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल का ज्यादा कंटेंट यूट्यूब पे है नहीं, इसलिए मैंने आपको ये चीज डाल के दिखाई, करके दिखाई, वो चीज शूट किया। बाकी एज अ हार्ड एंड फास्ट कुछ फर्क है नहीं दोनों में, चलने में, डे टू डे लाइफ में आप चलाओगे नहीं फर्क पता चलेगा, ऐसी वो चलेगी ऐसी ये चलेगी, तो सिर्फ इसका यही है सिंपल सा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, कोई पार्ट अगर इसका रहता हो, आपको कुछ और जानना हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हो मुझे आप, कोई इशू नहीं है। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, और आप इतना प्यार दे रहे हो वो चीज मुझे दिख रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ही तेजी से मेरे साथ सब अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े खूब अच्छे अच्छे लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, और मैं सारी चीज पॉजिटिवली लेता हूँ, कोई अगर मुझे नेगेटिव चीज भी बोल रहा है तो मैं उसको भी पॉजिटिवली ही लेता हूँ, तो नेगेटिव भी कमेंट अगर आ रहे हैं तो उसको भी मैं बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो बस भाई प्यार बनाए रखो ऐसे ही, और तुम्हारा भाई नई नए कंटेंट ऐसे ही लाएगा, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी, ट्रिप्स के भी, और कोई भी नॉलेज किसी भी गाड़ी से रिलेटेड चाहिए हो, रिव्यू चाहिए हो, तो उसका कमेंट कर सकते हो कि ये गाड़ी एक बार दिखाओ, ऐसा कुछ है तो मैं वो भी कोशिश करूंगा आपके सामने वो गाड़ी लाने की भी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल, और शेयर कर देना वीडियो पसंद आए तो, थैंक यू, बाय बाय।